अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जुबेरी दस्तरखान पे आए हुए हैं और यहाँ इफ्तारी और खाने का इंतज़ाम है गरीबों के लिए। तो जी बात करते हैं हम यावर जुबेरी साहब से, वो हमें तफसील बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या इंतज़ाम है, और फिर हम आपको घुमा के भी दिखाएंगे कि इन लोगों ने किस किस चीज़ का इंतज़ाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यावर छोटा सा हमने कदम उठाया है, काफी शुरू किए जुबेरी दस्तरखान के नाम से एक इदारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जो है यहाँ पे इफ्तारी का इंतजाम किया है, तकरीबन 200 लोगों की इफ्तारी का इंतजाम है। इसमें लोगों ने हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट किया है, इसमें ज़कात वगैरह का पैसा शामिल नहीं है। ये लोग अपने हलाल पैसे में से अपनी खुशी से अपने मुसलमान भाइयों को इफ्तार कराने के लिए जो है हमें डोनेट करते हैं, उस पैसे से दस्तरखान लगाया गया है। तो इसमें हर बंदा जो है वो आके खा सकता है, कोई ज़रूरतमंद या गरीबी लाजमी नहीं है कि यहाँ बैठे, अमीर गरीब सब जो है वो आके दस्तरखान पर खाना खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़कात वगैरह का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। जी कितना टाइम आपको हो चुका है ये काम करते हुए? तकरीबन हमें 3 साल हो गए इसको शुरू किए हुए, और इसमें हम पूरा साल जो है बच्चों की तालीम में मदद करते हैं, जो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, बेवा खवातीन वगैरह होती हैं, उनके राशन का इंतजाम होता है, लोग घर का किराया नहीं भर सकते, बिजली के बिल चढ़ जाते हैं, तो पसंद की मुश्किलात में हम उनकी हेल्प करते हैं, कोई बीमार हो तो उसके अस्पताल में इलाज के लिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मुस्तहिक लोग हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकें, और हमारी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वेल ऑफ हैं वो हमारे साथ जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें, हमारा दस्तो बाजू बने, ताकि हम इस काम को मजीद आगे जो है वो बढ़ा सकें। इसके अलावा 12 महीने जो है हम दस्तरखान इसके अलावा भी लगाते हैं, इफ्तार के अलावा भी 12 महीने मजदूर तबका और गरीब अफराद जो दिन दहाड़े रोजी कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अपना खाना वगैरह नहीं खरीद सकते, या उस पैसे को बचा के भूखा रह के अपनी दिहाड़ी पूरी करके घर जाते हैं कि रात को जो उन्होंने दिहाड़ी कमाई है वो पूरी की पूरी घर जाए। तो उन सब की सहूलत और फायदे के लिए भी हम जो है 12 महीना दस्तरखान लगाते हैं, ना जो दोपहर में खाना भी खा लें और उनकी दिहाड़ी जो है वो भी बच जाए और वो पूरी की पूरी रकम जो है अपनी घर ले जाए। हमारे अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, अगर आप लोग इसमें डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, रसीद जो है आपको ऑनलाइन भी हम दे देंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ दस्तरखान में शामिल। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका दस्तरखान आपकी लोकेशन पे ही होता है या कहीं और भी होता है? ये हम सिर्फ कराची में नहीं, इसके अलावा अंदरून सिंध के गरीब बस्तियों में भी जाते हैं लेके इसको, लेकिन वो जाहिर है रोज आसान नहीं होता, तो महीने में एक आध दफा हमारी कोशिश होती है कि सक्खर मिट्टी और बदीन और साकरों बकरान ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे गरीब तबका रहता है वहाँ पे हम जाके अपना दस्तरखान लगाएं, ताकि वो भी पेट भर के जो है खाना खा सकें, और उनके लिए राशन का इंतजाम जो करते हैं, जो महीने के राशन है उस पर पैक सम पैक करा के वहाँ दे देते हैं। और यहाँ कराची में भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं और सफ़ेद पोश लोग ऐसे बहुत रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो वाइट कॉलर हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हम लोग उस तक वो रसाई करते हैं कि जी हमें छुप के हमारी आप मदद कर दें, हमारी शक्ल जो है वो सामने ना आए। वैसे बहुत सारे सफ़ेद पोश घराने हैं जिनकी कफालत अलहमदिल्ला जुबेरी दस्तरखान कर रहा है, और उसके डोनर जो है अल्लाह उनको खूब बरकत दे, उनके काम में बरकत दे, उनके कारोबार में, उनकी दुकानों में, उनके घरों में, उनके रिस्क में अल्लाह बरकत देगा। तो इसी तरह हमारा दस्तो बाजू जो है मिले रहें और हम इसी तरह के लोगों की खिदमत जो है करते रहें। चलें बहुत अच्छी जी। तो यावर साहब, अल्लाह आपके काम में कारोबार में बरकत दे और जो आपकी ये कोशिशें हैं उसमें अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। अब आप ये बताएं कि आज जो आपका ये दस्तरखान है उसमें किस किस चीज का इंतजाम है, क्या क्या खिलाएंगे आप लोगों को? इसमें हर चीज है, समोसे हैं, खजूर हैं, फ्रूट्स हैं, बिरयानी है, शरबत है, जो जरूरी आइटम दस्तरखान पे होते हैं इफ्तार के वक्त पे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं और बहुत वाफर मकदार में मौजूद हैं। इसके अलावा ये है कि इस पूरे काम के पीछे हमारी पूरी एक टीम जो है वो काम करती है, उसमें हमारे सब घर वाले जो हैं वो लगे रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे वालिद वालदा, वाइफ मेरी, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, बड़े भाई, उनकी वाइफ और उनकी बच्चियाँ, जवेरिया, हादिया, तमीम, यकीन, हमारी बहन के बच्चे। इसके अलावा कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनमें अरमान जो है वो हमेशा आते हैं यहाँ साथ हमारे, और
के जो है आपको दस्तरखान लगाते हुए नजर आएंगे साथ में हमारे, ये सब आपको नजर आ रहे होंगे। तो सिर्फ एक बंदे का वो नहीं होता, इसके अलावा हमारे डोनर जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। अच्छा, तो यावर साहब ये बताएंगे अगर, अच्छा तो अब अगर कोई और इफ्तारी में कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसे क्या पर हेड बंदे का क्या आप लोगों ने रखा हुआ है? 180 पर हेड है इफ्तार प्लस डिनर। खाली अगर इफ्तार कराते हैं तो 120 रुपीज है, और अगर कोई अपनी जकात वगैरह से गरीबों का राशन का इंतजाम करना चाहता है तो 1500 का पैकेज है, उसमें आटा दाल चावल चीनी पत्ती वगैरह शामिल है। आप 1500 रुपये की फैमिली के हिसाब से देकर राशन जो है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा रमजान के अलावा भी हमारी एक्टिविटीज हैं, तो सिर्फ रमजान में लोग जो है वो डोनेशन वगैरह करते हैं, बाकी पूरा साल जो है वो नहीं आते। तो उसकी खिदमत में गुजारिश है जो पूरे 12 महीने हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ और एजुकेशन पे काम नहीं है, तो जिनके पास अल्लाह ने दिया है वो हमारे साथ हिस्सा मिलाएं ताकि हम हेल्थ और एजुकेशन पे भी मजीद काम कर सकें। हमारे पैनल पे स्कूल और मदरसा जो है वो काम कर रहा है, तो जो स्कूल ऐसा है कि उसमें फीस बहुत कम है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और अपने बच्चों की 8-8, 10-10 हज़ार रुपये फीस भरते हैं, वो इन गरीबों के बच्चों के लिए 1200 रुपये महीना फीस निकाल के दे सकते हैं। हमारे अंडर जो स्कूल काम कर रहा है 1200 से लेकर 2000 रुपये तक उसकी मंथली फीस है, तो आप किसी भी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं और उसकी एजुकेशन की जो भी कॉस्ट है वो आप अपने पास से भर सकते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया वगैरह के मरीज होते हैं हमारे पास, उनके लिए ब्लड वगैरह चाहिए होता है, और अगर आपके कोई ऐसे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना चाहते हैं एज अ वेलफेयर के तौर पे, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पेशेंट्स को आपके पास भेज देंगे, आप उनका ट्रीटमेंट वगैरह कर लें, फ्री मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी के मालकान हैं जिनके पास मेडिसिन वगैरह होती हैं तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे आपकी ये वीडियो हम सर्कुलेट कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका साथ दे सकें इस नेक काम में। बहुत शुक्रिया।
है।